फतेहपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने पहले साइकिल सवार मासूम बच्चे को टक्कर मारी और फिर कार में फंसे साइकिल और बच्चे को 30 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। वहीं बच्चे को घसीटते हुए कार जब खागा कोतवाली क्षेत्र के कटोघन टोल प्लाजा पर पहुंची तो टोल प्लाजा में मौजूद लोग कार के नीचे दबे बच्चे को देखकर हैरान रह गए। मौके पर टोल कर्मियों ने कार को रोका और छात्र को कुचलकर भाग रहे कार सवार को आक्रोशित लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई की। ये पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक कार सैनी की तरफ से आ रही थी और कार के नीचे साइकिल सहित एक बच्चा घसीटता हुआ आ रहा था, तभी टोल कर्मियों ने कार को रुकवाकर उस बच्चे को बाहर निकाला। किस पोजीशन में देखा उसको? गाड़ी चली आ रही थी सीधा, उसमें देखा गया कि नीचे साइकिल थी, उसमें बच्चा फंसा हुआ था। हम लोगों ने जान से खेल के रुकवाया गाड़ी को। रोक नहीं रहा था तो? नहीं रोका, पता जा रहा था जी। आपने बड़ी लगा दी? जी जी। बच्चा खत्म हो गया? जी बच्चा खत्म हो गया। कितनी दूर जा रहा था, पता कहाँ से लेके आया? ये मालूम नहीं, अभी 10-12-15 किलोमीटर से आ रहा था। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। सैनी जनपद कौशाम्बी में बैगनार से एक साइकिल सवार दुर्घटना हुई और साइकिल सवार जो था गाड़ी में फंस गया, वो बैगनार वाला खींचते हुए तक खागा थाने के तहत ले आया। टोल प्लाजा उसको पकड़ा गया। थाना पुलिस द्वारा थाना सैनी जो जनपद कौशाम्बी में है, मुलजिम को और शव को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चा कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जो कि साइकिल से स्कूल जा रहा था, तभी कार ने छात्र को कुचल दिया और घटना स्थल से भाग निकला। लेकिन शायद कार के ड्राइवर को ये नहीं मालूम हुआ कि वो छात्र अपनी साइकिल सहित कार में फंसा हुआ है, जिसे वो घसीटता हुआ करीब 30 किलोमीटर दूर तक ले गया। अगर कार चालक गंभीर होता तो शायद मासूम की जान बच जाती। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।